समिति की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और बैठक में बचे हुए प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग गई है, जिसके बाद ऐसी अटकलें तेज हैं कि आज बीजेपी की पांचवी सूची जारी हो सकती है। टिकट को लेकर आलाकमान की सख्ती भी देखी गई। टिकट का विरोध करने वालों पर पार्टी करेगी कार्रवाई, तो ये साफ कह दिया गया है कि टिकट का विरोध अगर किसी ने किया तो पार्टी अब कार्रवाई कर सकती है। जेपी नड्डा, अमित शाह ने कार्रवाई के लिए हरी झंडी दिखा दी है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, आज लिस्ट आ सकती है, ऐसी अटकलें तेज हैं, क्या जानकारी है? और साथ ही चूंकि हम ये देखते हैं कि जब भी टिकट बंटवारा होता है उसके बाद विरोध तेज हो जाते हैं, बगावती सुर उठने लगते हैं, लेकिन पार्टी अब सख्त है कि अगर किसी ने भी आवाज उठाई या विरोध किया तो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, पार्टी अब सख्त हो गई है, खासतौर पर जब राजस्थान में विरोध और बगावत देखने को मिला और वहां जब प्रत्याशियों के नाम जब जारी हुए थे पहले, तो उसको लेकर के कई सारे ऐसे प्रत्याशी थे जिसके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता ही सड़क पर उतर गए, इससे पार्टी काफी असहज स्थिति में पड़ गई थी। लिहाजा आज पार्टी ने बहुत कड़ा संदेश दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैठक में कहा कि सामूहिक नेतृत्व पर ही जाएंगे और जो व्यवस्था की गई है उसी पर सभी कार्यकर्ता सख्ती से चले। लेकिन पिछले कई दिनों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या तेलंगाना हो, सबको लेकर के स्टेट कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में उनके आवास पर भी बैठक हुई, प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक हुई, प्रकाश जावड़ेकर के आवास पर बैठक हुई। उसके बाद कल देर रात तक बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सभी मौजूद रहे। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजस्थान की लगभग 70 सीटों पर पूर्ण सहमति बन गई है और 10 सीटों पर आंशिक सहमति है। कुल मिलाकर आप कहें तो 105 सीटों पर राजस्थान के लिए मंथन हुआ था। तो ये जो मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी मिली उसके मुताबिक 92 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कल तय कर दिए गए, जिसकी घोषणा जल्द की जा सकती है। अब ये अटकलें तेज है कि शायद आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दे, क्योंकि सामान्य तौर पर बिल्कुल बिल्कुल विकास, लेकिन फिर भी समय क्या बताया जा रहा है? क्योंकि देखिए, आप बता रहे हैं 92 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहाँ पर हो सकती है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है प्रचार प्रसार के लिए भी, फिर नामांकन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है, ऐसे में ज्यादा देर बीजेपी करेगी या नहीं? आज जारी हो सकती है तो कितने बजे जारी हो सकती है? क्या ऐसी कुछ इनपुट सामने आई है और कितने विधायकों का टिकट कट सकता है? देखिए, पहले बीजेपी की परंपरा थी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बीजेपी की तरफ से जारी कर दिए जाते थे उम्मीदवारों के नाम, लेकिन इधर कुछ दिनों से इस परंपरा पर बीजेपी चलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब सीधे प्रेस रिलीज जारी किया जाता है, उम्मीदवारों के नाम पार्टी की तरफ से जारी किए जाते हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि 1 से 1.5 बजे तक बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। क्योंकि बीजेपी की रणनीति है, आपने देखा होगा कि जब चुनावों की तारीख सामने नहीं आए थे उसके पहले ही बीजेपी ने अपने बहुत सारे प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी, ताकि इसलिए कि उनको अधिक से अधिक समय मिले चुनाव प्रचार के लिए और कैंपेन करने के लिए। लेकिन अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और बीजेपी की सीसी की बैठक कल रात हुई है, तो इसलिए इस बात की उम्मीद ज्यादा है और कयास इसीलिए लगाए जा रहे हैं कि अब समय नहीं है, इसलिए बीजेपी तुरंत अपने प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी करेगी और आज पूरी संभावना है कि आज वो अपने नामों की घोषणा कर दे। चले, आज पूरी संभावना है कि नाम सामने आ जाए, नजर बनाए रखिएगा। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया, संवाददाता हमारे दिल्ली से जुड़े थे, आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे। भोपाल से बड़ी खबर है।